हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास जो है फ्रेंड्स कोबाल्ट का 6 इंची कटर मशीन है। जैसे फ्रेंड्स इसमें जो फॉल्ट है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बेरिंग डाला था और जैसे फ्रेंड देख सकते हो जैसे फ्रेंड्स इसके अंदर हमने बेरिंग डाला था तो वही बेरिंग खराब हो गया फ्रेंड्स। किस वजह से खराब हुआ फ्रेंड्स आज की वीडियो बताएंगे, जैसे फ्रेंड्स हम इसे चेंज करके बताएंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। जैसे फ्रेंड्स बने रही आप इस वीडियो में, जैसे फ्रेंड्स इसमें जो फॉल्ट था इसी का था, इसलिए हमारे भाई ने इसमें नया बेरिंग को इंस्टॉल किया था। फिर भी फ्रेंड्स ये जो है ख़राब हो गया था, हमारे कंपनी वाले इसमें नया बेरिंग इंस्टॉल किया था फिर भी ख़राब हो गया। जैसे फ्रेंड्स आज की वीडियो में बताएंगे हमें क्यों ख़राब हुआ था, जैसे फ्रेंड्स देखते इतनी जल्दी ख़राब हो गया। जैसे फ्रेंड्स इतना बड़ा साइज का बेरिंग इतने जल्दी ख़राब नहीं होता फ्रेंड्स, इसके पीछे का भी कारण है। जैसे फ्रेंड्स अब आज की वीडियो में बताएंगे, बने रहिए। जैसे फ्रेंड्स हम इसे फटाफट से खोल लेते फ्रेंड्स, फिर बताते फ्रेंड्स हम आपको। जैसे फ्रेंड्स इसी प्रकार के अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स, फॉलो से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम इसे फटाफट से खोल लेते फ्रेंड्स और बताएंगे फ्रेंड्स हम आपको। जैसे फ्रेंड्स हम इसे खोलने के लिए फटाफट से खोल लिए फ्रेंड्स, और जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गए फ्रेंड्स। बड़े बेरिंग इतने जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन पीछे का रीज़न है। जैसे फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो है इसकी जो सीट है फ्रेंड्स, सीट में ग्रीस नहीं हुआ था, और जिसमें से जो बेरिंग है ये बेरिंग चाइना का डला हुआ था, इसलिए फ्रेंड्स ये ख़राब हो गया है। जैसे फ्रेंड्स ये जो बेरिंग सीट था इसके जो अंदर फ्रेंड्स बेरिंग जो टूटा हुआ था उसकी जो है पूरी तरीके से साफ सफाई नहीं हुई थी, और ऐसे ही लगाकर हो चुका था। जैसे फ्रेंड्स एक साइड इसकी सीट थी और एक साइड सीट नहीं थी, इसलिए फ्रेंड्स उसमें डस्ट वस्ट जाने से बेरिंग इतनी जल्दी ख़राब हो गया। जैसे फ्रेंड्स हम इसे खोल लेते हैं फटाफट से और बताएंगे फ्रेंड्स हम आपको कैसे चेंज करना है इस वीडियो में। जैसे फ्रेंड्स आप यह गलती कभी ना करें, इसमें जैसे फ्रेंड्स हमने इसे खोल लिया है और यहाँ पर हम पिचके से ज़्यादा ठोक कर बेरिंग को बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स इसे फटाफट से ठोक लेते फ्रेंड्स और इसे बाहर निकाल लेंगे। जैसे फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स, इसको ठीक तरीके से साफ सफाई कर लेंगे फ्रेंड्स फिर डाल लेंगे। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे देख सकते हो इसकी जो चाइना का बेरिंग था इतनी जल्दी ख़राब हो गया है। जैसे फ्रेंड्स उसकी जो बेरिंग सीट रहती है और उसको हम नहीं लगाते फ्रेंड्स कई बार, तो उसमें क्या फ्रेंड्स डस्ट वस्ट जाकर बेरिंग ख़राब हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स में गियर भी घिस रहा था, इसलिए हम इसे फटाफट से खोल लेते फ्रेंड्स। यह गलती कभी ना करें फ्रेंड्स, आप इसमें अच्छे से अच्छे क्वालिटी का बेरिंग इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स लोकल बेरिंग डालने से यह प्रॉब्लम आती फ्रेंड्स, और इसमें गियर भी आपके ख़राब हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम इसे फटाफट से खोल लेते फ्रेंड्स और आप को इस प्रकार के वीडियो देखना फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स हम इसे फटाफट से खोल लिए फ्रेंड्स और हम यहाँ हेमर की सहायता से ठोक देंगे फ्रेंड्स, फिर निकल गया। जैसे फ्रेंड्स देख सकते हो निकल गया, और इसकी जो साफ्ट है फ्रेंड्स साफ्ट भी कट गई। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार हम ब्लेड को जो है ढीली कर देते, इस वजह से ये जो फ्रेंड्स साफ्ट कट जाती है। जैसे फ्रेंड्स हमने इसे फटाफट से खोल लिया। जैसे फ्रेंड्स हम इसमें अब गियर और बेरिंग कैसे ठोकना है बताएंगे। जैसे फ्रेंड्स हमारे कमलू भैया ने इसे बेरिंग को ठोकते वक्त भी कुछ गलती कर दी थी बता रहे थे, जिसमें हम इसे फटाफट से ठोक देते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको ऊपर जो फ्रेंड्स ऊंचा ना बने इस प्रकार से ठोकना है फ्रेंड्स आप। जैसे फ्रेंड्स ये हमारा ठोक कर हो चुका है और आपको देख लेना फ्रेंड्स ट्रिक्स। जैसे फ्रेंड्स हमारे जो कमलू भैया ने इसे ठोके थे, तो जैसे फ्रेंड्स में बड़े पाइप की मदद से ठोके, जैसे उसकी जो सीट रहती फ्रेंड्स बेरिंग सीट पूरी बग गई थी, हमारे कमलू भैया बता रहे थे। जैसे फ्रेंड्स आपको ठोकना है तो इस प्रकार से ठोकना फ्रेंड्स, आपको पाइप का पूरा ले लेना और इससे ठोक देना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये जो हमने फटाफट से ठोक दिया फ्रेंड्स, और हम इसके जो है फ्रेंड्स इसको भी लगा देते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसको जो है फ्रेंड्स पूरा फिक्स पाइप के टुकड़े से ठोकना है, नहीं तो बड़े पाइप के टुकड़े से ठोकेंगे फ्रेंड्स तो बेरिंग तो ख़राब होना ही है फ्रेंड्स। तो जैसे फ्रेंड्स हमने इसे ठोक दिया है और फटाफट से हम इसे लगा देते हैं फ्रेंड्स।
जैसे फ्रेंड्स आप कहीं भी अगर से काम करते हो फ्रेंड्स किसी भी मशीन का, तो जैसे फ्रेंड्स आपको अच्छे क्वालिटी के बेयरिंग को इस्तेमाल में लेना है फ्रेंड्स, चाइना के बेयरिंग तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो है मशीनों में ज़्यादातर ख़राब होते हैं बेयरिंग, बेयरिंग की वजह से दूसरा स्पेयर भी ख़राब होने लगते हैं फ्रेंड्स। कभी भी डलवाना है फ्रेंड्स तो अच्छे क्वालिटी के बेयरिंग डलवाना है आपको। जैसे फ्रेंड्स ये हमारा हो चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स वीडियो बनाने को बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इसी प्रकार के हम वीडियो बनाते रहेंगे।